स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेन्स 2023। बच्चों आप सभी जानते हैं कि 75% क्राइटेरिया को लेकर के आपके सेशन वन से ही फाइट चल रही है हाई कोर्ट में, राइट? तो हाई कोर्ट में अभी भी हियरिंग होनी बाकी है। अभी आपको मैं लेटेस्ट अपडेट बताने जा रही हूँ। ज्यादातर बच्चों को इस बात की जानकारी रखनी थी कि एग्जैक्टली 75% क्राइटेरिया चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल जेई के एग्जाम देने वाले वो बच्चे भी हैं जो लास्ट ईयर अपियर हुए थे बोर्ड एग्जाम में, और लास्ट ईयर जेई का ऐसा कोई नॉर्म था नहीं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादती हो जाएगी अगर 75% क्राइटेरिया क्लास 12 का रख दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने अभी तक आंसर दिया नहीं था, कोर्ट का जस्टिस आया नहीं था। ये कहा गया था बेशक कि जेई में अपियर होने के लिए 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए, जब आप एडमिशन लेंगे देन इट इज रिक्वायर्ड। तो अब कोर्ट में जो जजमेंट पास होगा उस हिसाब से देखा जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, बच्चों के फेवर में आंसर आता है एनटीए की तरफ से या फिर क्या होता है। सो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू हियर द मैटर, ये मैटर पेंडिंग चल रहा है, सून बहुत जल्द इस पे सुनवाई होने वाली है। जेई का जो पहला एग्जाम था, बच्चे ये भी चाह रहे थे कि पहला एग्जाम सेशन वन का भी ना हो, डायरेक्ट अप्रैल में एग्जाम हो, लेकिन उस वक्त हड़बड़ी में चूंकि एनटीए ने कहा कि उसे सेशन को जो है वो नॉर्मलाइज करनी है, तो उस वक्त आपका पहला सेशन तो हो गया। मैटर रिगार्डिंग द 75% क्राइटेरिया वाज स्टिल शेड्यूल्ड टू बी हर्ड, क्योंकि उससे अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट? क्योंकि आप एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो, बट हाँ जिन बच्चों का मानो 74% है या 74 पॉइंट समथिंग है, तो उन बच्चों को टेंशन हो रही होगी कि अगर हम पास भी हो गए और एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अब इसीलिए क्या किया गया कि द न्यू डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड सून। लास्ट 21 फेब को शेड्यूल किया गया था ये जेई मेन्स का। PIL was filed for JEE Main eligibility criteria and it was scheduled to be heard by the acting Chief Justice of Mumbai. अब ये हुआ तो है, however due to him being unavailable for judicial work, the hearing was postponed. तब चूंकि जज थे नहीं, Chief Justice of High Court नहीं थे, इसीलिए court जो है वो थोड़े दिन के लिए postpone कर दिया गया था, judgment नहीं हुआ था। हालांकि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम को। द मैटर वाज हर्ड बाय अ बेंच ऑफ कंप्राइजिंग एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई। लेकिन अभी हमारे जो बच्चे हैं उनकी अभी तक टेंशन दूर नहीं हुई है। स्टूडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग द रिवीजन ऑफ 75% क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया वैसे भी रिमूव हो जानी चाहिए थी। पेटिशन फाइल्ड स्टेट्स दैट दिस क्राइटेरिया इज अनफेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। उनके लिए बिल्कुल अनजस्टिस है। So the marks scored by student is not a true reflection of actual ability. That is also true. जो बच्चा 60% board में लेके आता है वो बच्चा भी capable है JEE में appear होने के लिए और exam को qualify करने के लिए। तो 12th के marks से judgment होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही unfair है। The marks बच्चा अगर pass है 12th तो he or she should be able to appear in the exam. So marks scored by student is not actually the reflection. ये बहुत अच्छी और सही बात है। 75%, अब ये बताओ कि जिसको 74 आया वो एलिजिबल नहीं है लेकिन 75 वाला है, 1% के डिफरेंस से क्या मेंटल एबिलिटी चेक होती है? नहीं होती है ना। सो फॉर दिस ईयर, अब इस साल तो वो बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही इनजस्टिस है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट आती है फिर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। फिलहाल आपका सेशन वन हो चुका है, सेशन टू के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और वो 12 मार्च तक चलने वाले हैं। आपको पता है ऑलरेडी सेशन वन में जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको कि कैसे अप्लाई करना है, jeemain.nta.nic.in पे जाकर के, जो कि एनटीए के जेई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर लीजिए। सो जो भी कोई अपडेट आएगी हाई कोर्ट से बच्चों, आई विश एंड होप कि आपके फेवर में आए, 75% क्राइटेरिया रिमूव हो जाए और जो कुछ भी हो बच्चों के हित में हो। जो भी अपडेट होगी बच्चे आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।